सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है और जे मुदल गांव के रहने वाले हैं। जे सिस्टर की गवाही जे है कि 5 महीने से जे सिस्टर को टीबी की प्रॉब्लम थी और उसके साथ टाइफाइड बुखार था, इन्फेक्शन भी रहती थी। और जैसे ही जे सिस्टर को गुड न्यूज़ मिली और जे पिछले संडे फर्स्ट मीटिंग में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और हम तो बिल्कुल भी नहीं थे जानते क्योंकि इनको टीबी की प्रॉब्लम थी। और आज वो रिपोर्ट्स भी लेकर आए, पहले हम उस रिपोर्ट्स को भी देखेंगे कि जो इनको टीबी थी वो उसका एक्स्ट्रा भी हुआ है। और बहुत सारी ऐसे मेडिसिन भी खा रहे थे जे सिस्टर, और इनकी बॉडी में बहुत सारी वीकनेस भी रहती थी, हम उस एक्सरे को भी देखेंगे। अब हम उस रिपोर्ट्स को भी देखेंगे जो बाकी की। ये पहले से तैयारी से रखा करो, बुद्धि रखा करो थोड़ी। और इन रिपोर्ट्स में टाइफाइड बुखार, इन्फेक्शन, और जिससे जी सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ इनको 2% टीवी की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण इनकी बॉडी में वीकनेस भी आ चुकी थी और पूरी बॉडी में दर्द रहता था और जो बहुत परेशान हो चुके थे। और जैसे इनको गुड न्यूज़ मिली और जिस संगति में आए और संडे की मीटिंग को अटेंड किया और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए हीलिंग प्रेयर कर रहे थे, और जैसे प्रभु के दास के मुख से घोषणा हुई कि किसी किसी के गले में एलर्जी की प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण इनके गले में खरखरा बन रहता था, एलर्जी की रहती थी और जिससे जो बहुत परेशान थे। और जैसे घोषणा हुई कि किसी के गले में ऐसे एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो बहुत परेशान है और उसके गले में खरखरा बन रहता है, तो अब हम उस घोषणा क्लिप को भी देखते हैं। विश्वास करो, इसके भी गले में, जिसके भी गले में ऐसे, आपके गले में, किसी के गले में ऐसे एलर्जी ऐसे टाइप है, जैसे गले के अंदर उसे ऐसे जैसे खरखरी जैसे, जैसे अंदर एलर्जी होती है, खरखरी जैसे है, वो उसे ऐसे विश्वास है मगर परेशान है। खुदा का आत्मा उसे डिलीवर कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। और जैसे ही घोषणा हुई तो जिस सिस्टर ने ऐसे, इनको पता तो नहीं था पर उसी समय प्रभु की आत्मा ने इनको छुआ और इनको वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई, और उसी दिन ही परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ। और अभी आज इन्हें 5 दिन हुए तो जो बता रहे हैं कि जो बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं, इनको अभी गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बॉडी में वीकनेस रहती थी, दर्द रहती थी, उससे भी परमेश्वर ने इनको अच्छा कर दिया है और आज अपने घर का काम भी कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। और बाद में इन्हें इस सिस्टर ने अलग मीटिंग भी की प्रभु के दास के साथ और इनको और भी पॉजिटिव नेगेटिव प्रेयर के बारे में भी सिखाया गया। और जैसे जो धन्यवाद दे रहे तो आज 5 दिन से टोटली उस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। सुनो 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 सुनो, ये चीज आपके गले में कब से, कितने समय पहले थी? हैं, 5-6 महीने पहले थी, है ना? और इसकी लगातार मेडिसिन भी चल रही थी। देखो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और ये पिछली बार फर्स्ट बार आए, पहली बार आए, और जब ये बिल्कुल नए, इन्हें तो पता नहीं है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसे वो बोलते हैं। तो जब मेरे मुंह से परमेश्वर इसको इसकी हीलिंग के लिए बोल रहे थे तो ये तो ऐसे खड़ी थी, हाँ, आराम से। और जब मीटिंग के बाद ये मुझे मिली तो इसने कहा कि जैसे अब इसने अपनी ऐसे प्रॉब्लम मुझे बताई, सच इसने प्रॉब्लम बताई कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, अरे ये चीज़ तो परमेश्वर तेरे लिए बोल रहे थे। कहती मुझे, क्योंकि ये नहीं थी, इसे नहीं पता था रिसीव करना कैसे ये चीज़ें सब, तो अरे मैंने कहा तेरे लिए पहले, मेरे से बताने से पहले परमेश्वर तेरे लिए बोल चुके हैं, वो तुझे हील कर चुके हैं,
आनंद से जा, आज से तू परमेश्वर ने तुझे आजाद कर दिया है। क्या कर दिया है? आजाद कर दिया। और आज 5 दिन हो गए जिस चीज से ये 6-7, 5-6 महीने से ऐसे परेशान थी, एक ही दिन में परमेश्वर ने डिलीवर किया, आजाद किया और आज आपके सामने। इसलिए आपका परमेश्वर दुनिया का परमेश्वर, क्योंकि वो सब दुनिया का परमेश्वर है, हाँ, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए ऊंचा। आमीन।